हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ एक्सेल लर्निंग हैशटैग प्रिया तिवारी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो ऐड हो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये बाकी कोर्सेज हैं जो ऑन द टाइमिंग आपको मिल जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस। और ये जो एनालिसिस है ये 19th of April 2021 की है। सो लेट्स स्टार्ट हियर। सबसे पहले ब्लैक सी पे आते हैं, ठीक है। ब्लैक सी आपका न्यूज़ में क्यों है, तो एक तो पहले बात ये ध्यान रखिए कि ब्लैक सी अगर न्यूज़ में है तो दैट बिकम्स एन आर्टिकल जो ज्योग्राफिक के स्टैटिक पार्ट को भी कवर करेगा, ठीक है। इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, पूरा जो ज्योग्राफी वाला आपका पार्ट है वो कवर करेगा। टू रशियन वॉरशिप्स ट्रांजिटेड द बॉस्फोरस एंड रूट टू द ब्लैक सी एंड 15 स्मॉलर वेसल्स कंप्लीटेड अ ट्रांसफर टू द सी एज मॉस्को बीफ्स अप इट्स नेवल प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ टेंस रिलेशंस विद द वेस्ट एंड यूक्रेन। तो यहाँ पर आप सिंपल देखेंगे कि आपकी दो रशियन वॉरशिप है न्यूज़ में क्यों है, बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, ब्लैक सी में जा रहे हैं। सो अब आपके लिए एक सिंपल सा होमवर्क है, जो पीपल मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो बहुत टाइम से हम लोग लेक्चर्स में एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो जब हम ब्लैक सी पढ़ते हैं, ठीक, तो यहाँ पर हमने दो स्ट्रेट्स देखे थे, ठीक, दो सीज और देखी हैं। तो ब्लैक सी में यहाँ पर बॉस्फोरस आपको दिया हुआ है, बॉस्फोर एक स्ट्रेट है, आपको बताना है कौन सी दो इंपॉर्टेंट सीज को कनेक्ट कर रहा है। देन आपका डार्डनेल्स है, मुझे डार्डनेल्स बताइए कौन सी दो इंपॉर्टेंट सी को कवर कर रहा है। एंड ब्लैक सी के अलावा कौन सी वो दो इंपॉर्टेंट सीज है जिसके बीच में आपको बॉस्फोरस एंड डार्डनेल्स देखने को मिल रहा है, ठीक। नाउ ब्लैक सी की बात करते हैं तो अल्टीमेटली ये कहाँ पर जाके ड्रेन हो जाती है, मेडिटेरेनियन सी में। तो आधा अंतर यहीं पर हो गया आपका, वाया द टर्किश स्ट्रेट्स एंड द एजियन सी, ठीक है। कौन से स्ट्रेट के थ्रू, टर्किश स्ट्रेट के थ्रू एंड एजियन सी के थ्रू होते हुए। नाउ ब्लैक सी और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, इसको सराउंडिंग कंट्री वाली, ब्लैक सी उसके आसपास की सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए हो जाता है। तो रिमेंबर दैट ब्लैक सी इज बॉर्डर्ड बाय बल्गेरिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, टर्की एंड यूक्रेन। तो ब्लैक सी किसके किसके द्वारा बॉर्डर की जाती है, बल्गेरिया के द्वारा, जॉर्जिया के द्वारा, रोमानिया, रशिया, टर्की एंड यूक्रेन के द्वारा। नाउ नॉर्थ साइड में अगर आप देखेंगे तो ये सी ऑफ अजोव से भी कनेक्टेड होती है, ठीक है। सी ऑफ अजोव की बात करेंगे तो उससे आपकी ब्लैक सी कनेक्टेड रहती है। कौन सा स्ट्रेट दोनों के बीच में मिल जाएगा कनेक्ट करता हुआ, दैट इज कर्च स्ट्रेट। तो एक बॉस्फोरस, डार्डनेल्स एंड कर्च, तीनों को मैप में लोकेट करिए, प्रैक्टिस करिए एंड इफ पॉसिबल तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए भी, ठीक है। बेसिकली शेयर मी योर होमवर्क। नाउ बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात करते हैं, इट कनेक्ट्स इट टू द स्मॉल सी ऑफ मारमारा विच इन टर्न इज कनेक्टेड टू एजियन सी वाया द स्ट्रेट ऑफ डार्डनेल्स। बॉस्फोरस स्ट्रेट आपको आंसर यही मिल गया है, बस आपको क्या करना है मैप में एक बार देखना है, ठीक है। बॉस्फोरस स्ट्रेट आपका कनेक्ट करता है, छोटा सा एक सी है, सी ऑफ मारमारा, ठीक। सी ऑफ मारमारा को ब्लैक सी के साथ में कवर कर देगा। देन अगर आप देखेंगे तो वो एजियन सी के साथ कनेक्ट करता है डार्डनेल्स, एक बॉस्फोरस एक डार्डनेल स्ट्रेट। तो दिस इज रिगार्डिंग आपका ब्लैक सी के बारे में, न्यूज़ में क्यों था, ये काम भी आपके लिए हो गया है। दिस इज योर ब्लैक सी, ठीक। दिस इज टर्किश स्ट्रेट, दैट इज बॉस्फोरस एंड द डार्डनेल्स। देन यहाँ पर आप अपनी एजियन सी देख सकते हैं। दिस इज सी ऑफ अजोव जिसको कनेक्ट करते हुए अगर आप देखेंगे तो आपको कर्च स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आते हैं हमारे, दैट इज डिस्क फुटेड बैट के बारे में देखते हैं, ठीक है। वेरी ब्यूटिफुल बैट, इजंट इट। नाउ मेघालय हैज यील्डेड इंडियाज फर्स्ट बम्बू ड्वेलिंग बैट विथ स्टिकी डिस्क। आपके मेघालय ने क्या किया है, इंडिया का पहला बम्बू ड्वेलिंग बैट विथ स्टिकी डिस्क अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पर्टिकुलर एक तरीके से रिसर्च किया है, नई खोज मिली है उन लोगों को। ये जो डिस्क फुटेड बैट आपको देखने को मिल रहा है, इसका नाम है यूडिस्कोपस डेंटिकुलस। क्या नाम है, यूडिस्कोपस डेंटिकुलस। ये अगर आप देखेंगे तो मेघालय के लेलार जो एरिया है, नोंगखिलिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में, वहाँ पर इसको स्पॉटअप किया गया है। अबाउट 1000 किलोमीटर वेस्ट जो आपका हैबिटेट है म्यांमार, यानी म्यांमार में इनका नियरेस्ट हैबिटेट आपको देखने को मिल जाएगा। उससे 1000 किलोमीटर वेस्टर्न साइड में आपको ये जो स्टिकी डिस्क के बैट हैं वो देखने को मिला। नाउ जो डिस्क फुटेड बैट हैज़ रेज मेघालय बैट काउंट टू 66, द मोस्ट फॉर एनी स्टेट इन इंडिया। इट हैज़ ऑल्सो हेल्प एड जीनस एंड स्पीटीज टू द बैट फॉन ऑफ इंडिया। अगर आप देखेंगे तो मेघालय का जो बैट काउंट है वो 66 पे आ चुका है। किसी भी इंडियन स्टेट के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा बैट काउंट आपको मेघालय में ही देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ इंडिया के बैट फौना की बात करते हैं, यानी जितने डिफरेंट टाइप ऑफ बैट्स आपको देखने को मिलते हैं तो उसमें एक और स्पीशीज ऐड हो चुकी है, दैट इज यूडिस्कोपस डेंटिकुलस। है ना, एक्चुअल में ये डर बहुत डरावने लगते हैं लोगों को, बट अगर आप इनका पूरा मेन स्ट्रक्चर देखेंगे दे आर वेरी क्यूट। ट्राई टू बेसिकली सर्च आउट दैट, है ना, इनकी इमेजेस थोड़ा सा देखिए, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा बीच में जब आप
बोर हो रहे होंगे तो ट्राई टू सर्च आउट दीज थिंग्स. नॉट टिकी फॉर्मेशन पे आते हैं. टिकी फॉर्मेशन हमने कल भी देखा था. टिकी नाम से क्या था मुझे बताइएगा. कल नहीं, आज ही मैंने आपको 18th का वीडियो प्रोवाइड किया, उसमें टिकी फॉर्मेशन, टिकी का नाम आया हुआ है. क्यों आया हुआ मुझे ये बताइएगा. नाउ टिकी फॉर्मेशन है क्या? लेट ट्रायसिक जियोलॉजिक फॉर्मेशन है मध्य प्रदेश में. ये ट्रेजर माना जा रहा है वर्टिब्रेट फॉसिल्स का, यानी बहुत सारे वर्टिब्रेट के फॉसिल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर हैं, और इसीलिए ट्रायसिक जो पार्ट था, लेट ट्रायसिक पार्ट है, उस टाइम पर डिपोजिशन आपको मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं. डायनासोर रिमेंस की बात करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक तरीके से फॉसिल्स है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. रिकवर किए गए हैं, ऑल्दो नन हैव येट बीन रेफर टू स्पेसिफिक जीनस, बट जो भी आपको फॉसिल्स मिले हैं उसका कोई स्पेसिफिक जीनस अभी तक हमें पता नहीं लगा है, बट स्टिल अगर यहाँ पर मिल रहा है तो दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ न्यूज में क्यों है जो टिकी फॉर्मेशन है मध्य प्रदेश का, ये ट्रेजर ट्रॉप माना जा रहा है वर्टिब्रेट फॉसिल्स का. एंड यहाँ पर बहुत सारी नई नई स्पीशीज देखने को मिल रही हैं. एक नई स्पीशीज मैंने 18 अप्रैल की वीडियो में बनाई थी, दैट इज जो रैट लाइक स्पीशीज थी जिनको साइनोडॉन्ट्स कहा जा रहा था, ठीक, जो लगभग 220 मिलियन ईयर्स पहले वहाँ पर रहते थे. तो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में? साइनोडॉन्ट्स के बारे में. स्मॉल रैट लाइक एनिमल्स के बारे में आप देख सकते हैं जो लगभग 220 मिलियन ईयर पहले वहाँ पर रहते थे, उनकी स्पीशीज मिली है, वो नई स्पीशीज के फॉर्म में है. तो दैट इज कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको एक तरीके से जीनियोलॉजी, एक तरीके से इवोल्यूशन को बेसिक क्या करेगा, और ज्यादा बेसिक क्लियर तरीके से, विविध तरीके से आप उसको देख पाएंगे. नाउ 220 मिलियन ईयर से अगो से पहले मुझे एक चीज याद आ रही है. देयर वाज अ कमेंट इन द 18 अप्रैल का वीडियो कि सीरियसली 3 महीने में यूपीएससी क्लियर हो जाएगा. इट वॉज आई थिंक द कमेंट सीरियसली 3 मंथ्स. सो लेट मी टेल यू, अगर आप अपनी बात को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपने लिखा हुआ है सीरियसली 3 मंथ्स, एग्जैक्टली, है ना. अगर आप 3 महीने सीरियसली पढ़ते हैं तो आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, है ना. एटलीस्ट प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, मेंस का भी 50% कवर हो जाएगा ना. इफ यू आर बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर 3 मंथ्स सीरियसली, है ना. सो मार्क आपके कमेंट में ही आपका आंसर है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट. नाउ नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं तो इन्होंने झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बैंक को ऐसे स्टेट्स के रूप में डिमार्केट किया है, ऐसे स्टेट के रूप में नोटिफाई किया है जहां पर क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी, यानी अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, ठीक है. कोई जगह जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा वो वल्नरेबल होता है, जिसमें इन स्टेट्स को हाईलाइट किया गया है. ये जो स्टेट्स हैं ज़्यादातर ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में देखने को मिल जाते हैं, एंड यहाँ पर कुछ ना कुछ अडेप्टेशन की ज़रूरत है, यानी क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इंटरवेंशन की ज़रूरत है. जो रिपोर्ट है उसका टाइटल आप देख सकते हैं, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है. किस लिए? फॉर अडेप्शन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग अ कॉमन फ्रेमवर्क, यानी आपको एक कॉमन फ्रेमवर्क लेके आइए कुछ चीज़ें ताकि हम अडेप्ट कर सकें, ताकि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना उससे जो भी खतरा होने वाला है उससे बच सके. Identifies the most vulnerable states and districts with respect to current climate risk and key drivers of vulnerability. यहाँ पर क्या किया जा रहा है सबसे पहले तो कि आपका वो स्टेट्स, वो डिस्ट्रिक्ट जो अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा खतरे में है, उसको आइडेंटिफाई करना. उसके बाद किस वजह से ये डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा खतरे में, ये स्टेट ज़्यादा खतरे में, उसको भी आइडेंटिफाई करना ताकि इस चीज़ को मिटिगेट किया जा सके, जो भी अफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का उसको कम किया जा सके. नाउ एक्सट्रीमिज्म इवेंट्स आर ऑन राइज बोथ इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर एंड सीवियरिटी. अगर आप देखेंगे कोई भी, आप ड्रॉट लाइक कंडीशंस की बात कर सकते हैं, हैवी रेन की बात कर सकते हैं, इररेगुलर बेसिकली आप मॉनसून देख सकते हैं. तो ये सब चीज़ें क्या है, ये अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स की बात करिए जिनका नंबर भी बढ़ता जा रहा है, सीवियरिटी भी, यानी बहुत ज़्यादा नंबर्स में वो हो भी रहे हैं, पर प्लस अगर आप देखेंगे सीवियरिटी, यानी जो बेसिक उनका इंटेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. मैपिंग द पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट आर वल्नरेबल टू सच चेंजेस विल हेल्प इनिशिएटिंग क्लाइमेट एक्शंस ऑन द ग्राउंड लेवल. अब अगर आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की मैपिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी कि आप इन वल्नरेबल एरियाज़ को पहले फाइंड आउट कर सके, उसके बाद ग्राउंड लेवल से कुछ ना कुछ उसमें एक्शंस लेके आए ताकि क्लाइमेट चेंज को कम करें, एंड इनके इन पर होने वाले जो भी अफेक्ट्स उसको भी हम क्या कर सकें, कम कर सकें. नाउ नेक्स्ट आते हैं कोलिस्तान डेजर्ट की बात करते हैं. कोलिस्तान डेजर्ट अभी क्यों न्यूज़ में है, कहाँ पर बेसिकली लोकेटेड है? सबसे पहले पाकिस्तान में. द प्लेस वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ रीसेंट शूटिंग ऑफ टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स. ये यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, दो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को शूट किया गया है इसी एरिया में, इसीलिए न्यूज में है. ये जो GIBs हैं आपके, ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का, और इंडिया के हिसाब से मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड में आता है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में है ये जो बर्ड है.
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं। इसको हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक बार और देख लीजिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। नाउ उसकी पॉपुलेशन राजस्थान की बात करेंगे, लगभग 100 से भी कम आपको देखने को मिलता है, एंड पूरी दुनिया का 95% पॉपुलेशन यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितने कम नंबर्स में ये ऑलरेडी हैं। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो हार्डली माइट बी 100, 110, 120 नंबर्स वैसे ही हैं इनके, एंड उसके बाद आप इनको अगर शॉर्ट डाउन कर रहे हो तो बहुत ही एक ये अच्छी बात नहीं है ना, दैट्स नॉट गुड। नाउ बेसिक बात करते हैं, IUCN के अकॉर्डिंग यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को एंडेंजर्ड की तरह कैटेगराइज किया था 1994 में, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो गई कि इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में डालना पड़ा, ठीक। 2011 की बात करते हैं, कंटिन्यूड थ्रेट इनके ऊपर आ रहा था क्योंकि लोग लगातार इनको पोस्ट कर रहे थे, हंट कर रहे थे, शूट डाउन कर रहे थे, इनका नंबर कम होता चला गया तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ गया। नाउ वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ की बात करते हैं राजस्थान की, हैड परमिटेड कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ GIB प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क थ्रू अ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाय देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन 2019 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड ड्यूगेट। अब अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके राजस्थान की जितनी भी वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज़ उन्होंने परमिट किया हुआ है, ठीक है, आप कैप्टिव ब्रीडिंग कराइए यानी इन बर्ड्स को कहीं ना कहीं एक साथ रखते हुए कैप्टिव कराइए ताकि इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। कहां पर करा सकते हैं? राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में। बट ये जो आपका ब्रीडिंग होने वाला है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होगा, एंड यहां पर देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है, दैट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो इसके ऊपर पर्टिकुलर डिबेट में, यानी आप कितना पर्टिकुलर उनको किस उनको हार्म हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसका डिबेट चलता रहता, बट स्टिल ब्रीडिंग अलाउड की गई ताकि इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जा सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर देखते हैं दैट इज हॉट स्प्रिंग्स एंड गोगरा पोस्ट, ठीक, दिस इज द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, हॉट स्प्रिंग एंड गोगरा पोस्ट। तो सबसे पहले आपके लिए होमवर्क, आपको पता है आपको हॉट स्प्रिंग देखना है, ठीक। इसके पहले मैं आपको और बता दूं, इसके पहले वाले यहां पर आपको IUCN के बारे में देखना है, IUCN को कवर करते हुए आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में देखना है, ठीक है। दीज टू आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एंड वन इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आपको इसके बारे में भी देखना है क्या है, किस तरीके की स्पीशीज है, कौन से स्टेटस में, यानी ऑल दैट, ये भी आपको कवर करना है एज अ होमवर्क पार्ट। नाउ हॉट स्प्रिंग्स एंड गोगरा पोस्ट की बात करते हैं, हॉट स्प्रिंग्स मैंने आपको बताए थे जब हम ज्योग्राफी कवर कर रहे थे तभी, एंड करंट में भी टॉपिक आया था तब भी। नाउ स्टार्टिंग विद द न्यूज़, क्या है इसमें? नाउ During 11th round of discussion between the senior military commanders of India and China to resolve over 11-month long standoff in eastern Ladakh, China had refused to two of the four original friction points, patrolling point 15 in Hot Spring and patrolling point 17 near Gogra Post. China still has a platoon level strength each along with vehicles. Now very important part, अब आपको पता है क्योंकि मे के टाइम से आई थिंक वी हैड स्टार्टेड कि कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था चाइना एंड इंडियन ट्रूप्स के बीच में। चाइना ने इंडिया का बहुत ज़रा पार्ट कवर कर लिया था, वहाँ पर इनके ट्रूप सिचुएटेड थे, एंड उसके बाद से फिर जब ये स्टैंड ऑफ थोड़ा सा ख़त्म होना स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे बेसिकली हाई लेवल, हाई कमांडर लेवल अगर आप देखेंगे तो मीटिंग्स हो रही थी। उसकी 11वीं मीटिंग अगर आप देखेंगे जो 11th राउंड ऑफ डिस्कशन चल रहा था उस पर चाइना ने टोटली मना कर दिया, ठीक है। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो चाइना ने रिफ्यूज किया कि जो चार ओरिजिनल आपके फ्रिक्शन पॉइंट्स थे उसमें से दो, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 की बात करिए, रिमेंबर 15, 16, 17 हमने डिस्कस किए थे। सो ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है हॉट स्प्रिंग में, 15 पेट्रोलिंग पॉइंट 17 की बात करते हैं गोगरा पोस्ट पे, यहाँ पर अभी भी आपको प्लाटून लेवल का स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है व्हीकल्स के साथ में, चाइना ने मना कर दिया है वहाँ से किसी भी तरीके से वो स्पेस खाली करने के लिए। नाउ द अदर पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन इन मई 2020 वर PP-14 गलवन वैली एंड द नॉर्थ बैंक पगोंगसो। दूसरे फ्रिक्शन पॉइंट की बात करते हैं तो आप गलवन वैली की बात कर सकते हैं जो हमने डिस्कस किया था, देन अगर आप देखेंगे PP-14 एंड पगोंगसो लेक की बात करते हैं। नाउ वेयर आर दीज टू एरियाज, ये दोनों एरियाज क्योंकि पूछे जा रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा है एज पर प्रीलिम्स एंड एज पर मेंस आपके लिए मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। लोकेट कर दिया जाएगा आपको पॉइंट्स ABCD करके मार्क करना होगा, तो ये दोनों आपको मैप में भी मार्क कर लेना है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर क्लोज टू चांग चेनमो रिवर इन गलवन सब सेक्टर ऑफ द LAC इन ईस्टर्न लद्दाख। अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो चांग चेनमो रिवर है गलवन सब सेक्टर में LAC ईस्टर्न लद्दाख में वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। हॉट स्प्रिंग की बात करते हैं तो ये इस रिवर के नॉर्थ में मिलता है, गोगरा पोस्ट की बात करते हैं तो ये ईस्टर्न पॉइंट में देखने को मिल जाएगा। वेयर रिवर टेक्स हेयरपिन बेंड कमिंग साउथ ईस्ट फ्रॉम गलवन वैली एंड टर्निंग साउथ वेस्ट, जहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो आपका जो गलवन वैली की बात करते हैं ये गलवन वैली से होते हुए साउथ ईस्ट हेयरपिन टर्न लेते हुए साउथ वेस्ट की तरफ टर्न हो जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं आपके, दिस इज अ पार्ट, ये आप देख सकते हैं आपका पेट्रोलिंग पॉइंट 15 एंड पेट्रोलिंग पॉइंट आप क्या देख सकते हैं 14, ये गलवन वैली है, दिस इज हॉट स्प्रिंग का एरिया, ठीक है। दिस इज द डिस्प्यूटेड पार्ट
जो आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरे पार्ट पे हमारे आते हैं, दैट इज वाटर पीपी 15 एंड 17 है। नाउ अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडियन आर्मी हैज बीन गिवन सर्टेन लोकेशंस दैट इट ट्रूप्स हैव टू एक्सेस टू पेट्रोल द एरिया अंडर इट्स कंट्रोल। अगर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, वैसे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको पता है चाइना उसके आगे आ चुका है, बट जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं। इंडियन आर्मी को बेसिकली स्पेसिफाई किया गया कि आप इन एरियाज़ की पेट्रोलिंग करते रहेंगे। नाउ ये जो पॉइंट्स हैं इनको पेट्रोलिंग पॉइंट्स कहा जाता है ना, आप जाते हैं विजिट करके फिर आते हैं, एंड आर डिसाइडेड बाय द चाइनीज स्टडी ग्रुप्स, एंड ये चाइना स्टडी ग्रुप्स के द्वारा भी डिसाइड किए गए थे। CSG वॉज सेटअप इन 1976 व्हेन इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड इज द अपेक्स डिसीजन बॉडी ऑन चाइना। ये अगर आप देखेंगे जो भी आपकी थी, ये 1976 में बनाई गई थी, यानी अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है चाइना की। कुछ सर्टेन एरियाज के बाहर करते हुए, जैसे देपसांग प्लेन को देखिए, पेट्रोलिंग प्लांट जो है आपके LAC पे, एंड ट्रूप्स एक्सेस दीज पॉइंट टू असर्ट देयर कंट्रोल ओवर द टेरिटरी। यानी अगर आप यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो वो सिंपल पार्ट दिखाता है कि आपका जो बेसिक ये जो टेरिटरी आपके कंट्रोल में है। नाउ इसीलिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सिंस द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नॉट इट ऑफिशियली डिमार्केटेड है ना, हालांकि वो बेसिक डिमार्केट है, बट ऑफिशियल पार्ट पे अगर आप देखेंगे, क्योंकि बाउंड्रीज डिमार्केट नहीं है तो पेट्रोलिंग करना ईजी हो जाता है। यानी जहां तक आप जाके ट्रिप की पेट्रोलिंग करके आएंगे वो एरिया आपके अंदर में हो जाएगा एक तरीके से। नाउ PP15 17 ए की बात करते हैं, आर टू ऑफ द 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स। यानी लद्दाख के अलॉन्ग अगर आप देखेंगे LAC में, तो जो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं उसमें से दो आपके 15 एंड 17 ए हैं। PP15 लोकेटेड है आपके एरिया में, जिसको हॉट स्प्रिंग कहा जाता है। PP17 ए आपका गोगरा पोस्ट में आता है। इसी दोनों की बात करते हैं तो चाइना ने सिंपली रिफ्यूज कर दिया कि वो इन पोस्ट को खाली नहीं करने वाला है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका मनाया जाता है। इसको इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नाउ इसके बारे में देखते हैं, द डे इज डेडिकेटेड टू द कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। आपका जो भी कल्चरल, किसी भी कंट्री का कोई भी कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, उसको कंजर्व एंड प्रमोट करने के लिए ये जो आपका डे है इसको डेडिकेट किया जाता है। किसके द्वारा बेसिक इसको लाया गया था एक तरीके से, तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइंस की बात करते हैं, जिसको ICOMOS होते हैं, उसके द्वारा इसको अंडरटेक किया गया है। तो मार्क वर्ल्ड हेरिटेज डे, वेरियस प्रोग्राम्स एंड टूर आर ऑर्गेनाइज बाय हेरिटेज साइट्स। आपकी वर्ल्ड हेरिटेज डे को मार्क करने के लिए बहुत सारे एंड प्रोग्राम्स एंड टूर्स जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं आपके हेरिटेज साइट्स के द्वारा। 1982 में ICOMOS ने क्या सजेस्ट किया था यूनेस्को, दैट अप्रैल 18 शुड बी सेलिब्रेटेड है ना। इन्होंने पर्टिकुलर बता दिया कि आपके यूनेस्को को सजेस्ट कर दिया कि अप्रैल 18 को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे, एंड यूनेस्को ने अप्रूवल दे दिया था। यानी 22nd जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1983 में, उस टाइम पे इसको अप्रूवल मिल गया। उसके बाद से अगर आप देखेंगे अप्रैल 18 को मनाया जाता है। तो ICOMOS ने यूनेस्को को पर्टिकुलर एक तरीके से प्रपोजल दिया, उन्होंने इसको एग्री किया, अप्रूव कर दिया, और उसके बाद से मनाया जाता है। नाउ वन पार्ट इज देयर, आपके लिए होमवर्क है, व्हाट इज ICOMOS, ICOMOS क्या काम करता है आपको बताना है यूनेस्को के बारे में। दिस इज अ सिंपल पार्ट, एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल बॉडी है वो एज इट इज एग्जाम में नहीं आती है, जैसा कि मैंने बताया है आपको बार बार। रिलेटेड टू करंट, दे विल टेक आउट द बॉडीज, दे विल टेक आउट द इंटरनेशनल बॉडीज, कोई भी कंजर्वेशन बॉडीज, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। नाउ डे की बात है, तो यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज के रिलेटेड लोगों के बीच में क्या लगाया जाता है, अवेयरनेस, बेसिकली उनको जागरूक किया जाएगा कि इसको प्रिजर्व करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ वर्ल्ड हेरिटेज टूडे 2021, इस साल की बात करते हैं, थीम क्या है, कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर है ना। आपका पास्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड यू हैव डाइवर्स फ्यूचर, तो दिस इज रिगार्डिंग द थीम फॉर वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021। नाउ नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल पे आते हैं, दैट इज डोगी कॉइन की बात करते हैं। वर्चुअल करेंसीज जैसे बिटकॉइन एंड एथेरियम आपने सुना होगा, ठीक। सो इसी पार्ट में आपको एक और नई क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल रही है, दैट इज डोगी कॉइन। वो भी आपकी एक क्रिप्टो करेंसी है, 2013 में स्टार्ट की गई थी इंटरनेट पैरोडी के रूप में। ये डिजिटल टोकन है, 2013 में क्रिएट किया गया था, जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं बिली मार्कस एंड अगर आप देखेंगे जैक्सन पालमर के द्वारा, एज अ फास्टेस्ट बट फन ऑल्टरनेटिव टू बिटकॉइन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट बेसिकली ऑल्टरनेटिव है। डिजिटल करेंसी आपको पता है एक्चुअल में करेंसी नहीं देनी होती है, बट वो करेंसी पार्ट आपका ट्रांसफर होता रहता है। सो बिटकॉइन को ऑल्टरनेटिव के रूप में ये स्टार्ट की गए थे एज अ सटायर ऑन द न्यूमरस फ्रॉड क्रिप्टो करेंसीज दैट इट स्प्रंग अप एट द टाइम एंड टेक्स इट नेम एंड लोगो फ्रॉम शिबा इनू मेम दैट वॉज वायरल सेवरल ईयर्स अगो। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है, उस टाइम क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज्यादा थी,
फेक क्रिप्टो करेंसीज भी उतनी ही थी, एंड उसी सबको कहीं ना कहीं हटाने के लिए उन सबके पार्ट में रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए आपकी ये लाई गई थी। बिटकॉइंस के तरीके से अगर आप देखेंगे, हुज मैक्सिमम पॉसिबल नंबर इज 21 मिलियन, डॉग कॉइन नंबर्स डू नॉट हैव ए अपर लिमिट। अगर आप बिटकॉइन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो उनका अपर फिक्स लिमिट होता है 21 मिलियन होता है। डॉग कॉइन में आपको इस तरीके का कोई भी अपर लिमिट देखने को नहीं मिल रहा है, एंड दे आर ऑलरेडी मोर देन 100 बिलियन इन एक्जिस्टेंस। अगर आप एक्जिस्टेंस की बात करेंगे तो 100 मिलियन से ज्यादा ही एक्जिस्टेंस में देखने को मिल रही है। क्रिप्टो करेंसी सिंपल सी बात है, डिजिटल करेंसी है जो आपके कोड के थ्रू जनरेट की जाती है। उसके बाद पीयर टू पीयर इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत ही आपकी क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है। तो बिना मनी ट्रांसफर किए हुए डिजिटल फॉर्म में आपकी मनी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट आते हैं आपकी अभिजीत सिन्हा कमेटी पर। नाउ नागालैंड गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू फॉर्म अ जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी इन्वॉल्विंग ऑल ट्रेडिशनल ट्राइबल बॉडीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेकिंग ऑन एक्साइट टू रजिस्टर द स्टेट्स इंडिजिनस हैबिटेट। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, नागालैंड को क्या कोई इंपॉर्टेंट बेसिक अगर आप देखेंगे स्टेटस दिया गया आपके आर्टिकल में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन, पहला पार्ट। दूसरा, जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, अगर की गई है तो कौन से आर्टिकल के तहत की गई है, ठीक है। दिस शुड बी क्वेश्चन ऑफ द डे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो भी ट्राइबल ट्रेडिशनल ट्राइबल बॉडीज है, वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, वह उन सबको साथ में लाया जा रहा है ताकि आप स्टेट के जितने इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स हैं उनको रजिस्टर कर सके। जीसीसी को बेसिक हेड कौन करेगा, आपके होम कमिश्नर है अभिजीत सिन्हा, इसीलिए इस कमेटी का नाम अभिजीत सिन्हा कमेटी रखा गया है। इसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे जो सेंट्रल नागालैंड ट्राइब काउंसिल के होंगे, ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन के, तेनमी पीपल ऑर्गेनाइजेशन, तो अलग अलग नागालैंड की बात करते हैं वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है यहाँ पर इंक्लूड होंगे। अभिजीत सिन्हा कमेटी की बात करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है फॉर प्रिपेयरिंग रजिस्टर ऑफ इंडिजिनस हैबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। इनका मेन काम क्या है कि आपको नागालैंड के जितने भी इंडिजिनस हैबिटेट्स इनहैबिटेंट्स हैं उनको सिंपल क्या करना है, रजिस्टर करना है, ठीक है। ये अभिजीत सिन्हा कमेटी का काम होने वाला है एंड इसीलिए इसको बनाया गया। ना इशू क्या है, जुलाई 2019 में नागालैंड गवर्नमेंट लॉन्च RIIN, यानी आपके इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स का आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। सीन एज अ वेरियंट ऑफ आसाम्स नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन दैस एक्सक्लूडेड 19 लाख पीपल। अब यहाँ पर सिंपल क्या देखा जा रहा है कि आसाम में आपको पता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन NRC बनाया गया, जिसमें लगभग 19 लाख लोगों को बताया गया कि वो प्रैक्टिकल रूप से आसाम के रहने वाले नहीं है। तो उसी तरीके से आपका ये RIIN भी माना जा रहा है, एंड ये माना जा रहा है कि भले से इसका नाम चेंज है लेकिन ये काम NRC का करने वाला है। द एक्सरसाइज वाज पुट ऑन होल्ड आफ्टर सम सिविल सोसाइटी एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अपोज्ड इट। अब बिकॉज कुछ सारे लोग क्या कह रहे थे, बहुत सारे सिविल सोसाइटी के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इसको अपोज कर रहे थे, उनको क्या लग रहा था कि वो जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका प्रिवेंटिंग आउटसाइडर फ्रॉम अटेनिंग फेक इंडिजिनस सर्टिफिकेट फॉर सीकिंग जॉब एंड बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी आपका मेन काम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपके जितने भी आउटसाइडर हैं उनको फेक इंडिजिनस सर्टिफिकेट ना मिले, उनको जॉब ना मिले या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट ना मिले। December 1, 1963 को क्या हुआ था, द डे नागालैंड अटेन स्टेटहुड वॉज द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द परमानेंट रेजिडेंस, यानी जिस दिन आपके नागालैंड को स्टेटहुड मिला था वो दिन पर्टिकुलर December 1, 1963 का डिसाइड किया गया है कि वो डेट कट ऑफ डेट मानी जाएगी आपके परमानेंट रेसिडेंस को डिफाइड करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम नॉन नागाज आउटसाइडर्स इंप्लाइड नागाज लिविंग इन एरियाज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड कुड बी लेफ्ट आउट ऑफ RIIN। अब नॉन नागाज की बात करते हैं, यानी जो भी आपके आउटसाइडर्स हैं वो सिंपल ये इंप्लाई करते हैं कि जो भी नागाज आपके बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड रह रहे हैं कुड बी लेफ्ट आउट, वो भी आपके RIIN जो रजिस्ट्रेशन का पर्टिकुलर इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स का पास हो रहा है वहां से बेसिकली बाहर हो जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है, इसीलिए इसको अपोज किया जा रहा है। दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, नागालैंड के रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स के बारे में। नाउ वन इंपॉर्टेंट एक और चीज है यहाँ पर कि वॉट इज दैट, हाँ फॉर्मेशन की बात हो रही है, स्टेट फॉर्मेशन की बात हो रही है। December 1, 1963 आपको मुझे बताना है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, अगर आया था तो ठीक है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत नागालैंड फॉर्म हुआ है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्या किसी आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया था इसको स्टेटहुड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ऐसा हुआ था तो अच्छी बात है, नहीं हुआ था तो भी अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेटरी एनरोलमेंट चिल्ड्रन। मिस की बात कर रहे हैं, मल्टी सिस्टम बहुत सारे सिस्टम इन्फ्लेटरी एक तरीके से अगर आप देख सकते हैं सेल्स का खराब होना आप सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं, सिंड्रोम आपको देखने को मिल रहा है चिल्ड्रन में। नो सम सिंड्रोम चिल्ड्रन विद कोविड रिलेटेड सिंड्रोम डेवलप्ड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेटरी सिंड्रोम, टिपिकली
इमर्जेस 2 to 6 weeks आफ्टर कोविड इन्फेक्शन। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे जहाँ पर कोविड इन्फेक्शन के साथ में आपको मिस्क सिंड्रोम भी देखने को मिल रहा है, जो कोविड इन्फेक्शन से 2 to 6 हफ्तों बाद आपको देखने को मिलता है। रैशेज आपको बॉडी पे देखने को मिल जाएंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, आंखें रेड हो जाएंगी, बहुत सीरियसली हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे लो ब्लड प्रेशर, शॉक, आपको डिफिकल्टी पंपिंग करने में, सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं, हेलुसिनेशंस आप देख सकते हैं, ना जो चीज़ होती नहीं वो भी आपको दिख रही है, कन्फ्यूजन होगा, स्पीच इंपेयरमेंट हो जाएगा, जो आपको मेरे साथ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा आजकल, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट कि है ना आई एम अ चाइल्ड एंड आई एम बेसिकली बीइंग इन्फेक्टेड बाय कोविड। नाउ नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम्स विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। आपका जो बैलेंस होता है, आप खड़े हैं तो आपको पता है ना आपके ब्रेन एंड आपके ईयर के बीच में एक बैलेंसिंग पर्टिकुलर एपरेटस होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, तो माइट बी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन में आपको दिक्कत हो। सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये इन्फ्लेशन होता है आपके इम्यून रिस्पॉन्स, यानी जो वायरस आपकी बॉडी में गया, उस वायरस के जाने की वजह से बॉडी आपकी इम्यून रिस्पॉन्स करती है। इम्यून रिस्पॉन्स के कारण आपके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिल जाएगा, उसी वजह से आपको मिस्क ये पर्टिकुलर सिंड्रोम देखने को मिलता है चिल्ड्रन में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, न्यू रेगुलेटरी रिजाइन फॉर 8 medical items अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अगर आप देखेंगे तो आपका नया रेगुलेशन रिजाइम आया है 8 medical items के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत। ट्रांजिशन टाइम की बात करते हैं, लगभग 6 महीने का है, अलाउ किया गया है, एंश्योरिंग सप्लाई चेन कंटिन्यूटी इन एक्सेस वाइल इम्प्लीमेंटिंग देयर रेगुलेटरी ऑर्डर अंडर मेडिकल डिवाइसेज रूल। अब हालांकि आप तुरंत तुरंत एक्ट लेके आए हैं, अचानक से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो होगा क्या कि आपके बहुत सारे आइटम्स का शॉर्टेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, क्योंकि आपका आइटम का शॉर्टेज ना हो पाए तो उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए आपको इस लॉ को, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करते हैं, हैड नोटिफाइड द फॉलोइंग मेडिकल आइटम्स। इन्होंने कुछ मेडिकल आइटम्स को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत रेगुलेट करने के लिए नोटिफाई किया है, जिसमें इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेज होते हैं, सिटी स्कैन, MRI, डिफिब्रिलेटर्स, PT इक्विपमेंट, डायलिसिस मशीन, एक्सरे मशीन, बोन मैरो सेल सेपरेटर। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनके बेसिक यूज, ट्रांसपोर्टेशन, सेलिंग में रेगुलेशन लाया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। एज पर द सेड ऑर्डर द इम्पोर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स आर रिक्वायर्ड टू टेक इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब जितने भी आपके इंपोर्टर्स होंगे या मैन्युफैक्चर, या तो आप बाहर से मंगा रहे हैं या तो आप इसको क्या कर रहे हैं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको लाइसेंस चाहिए होगा कहाँ से, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से या फिर स्टेट की, या तो सेंटर की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से या तो स्टेट की लाइसेंसिंग अथॉरिटी से आपको क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो दिस इज रिगार्डिंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ 1940 की बात करते हैं, जब ये एक्ट आपका आया था, सो इट इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच रेगुलेट इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया। अगर आप देखते हैं तो कोई भी ड्रग है उसका इम्पोर्ट बाहर से मनाना, मैन्युफैक्चर करना या डिस्ट्रीब्यूट करना इंडिया में, ये आपका यही वाला जो एक्ट है पार्लियामेंट का वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एक्ट का, टू एंश्योर दैट ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स सोल्ड इन इंडिया आर सेफ, इफेक्टिव एंड कंफर्म टू स्टेट क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि जो भी आपके ड्रग्स हैं कॉस्मेटिक जो इंडिया में बेचे जा रहे हैं वो सेफ हो, इफेक्टिव हो, एंड स्टेट के जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो उसको पर्टिकुलर क्या कर सके, कंफर्म कर सके। रिलेटेड ड्रग्स की बात करते हैं, कॉस्मेटिक रूल्स 1945 कंटेन्स प्रोविजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अंडर गिवन शेड्यूल एंड देयर आर गाइडलाइंस फॉर द स्टोरेज, सेल, डिस्प्ले एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ईच शेड्यूल। अगर आप देखेंगे जो भी आपका ड्रग है, कॉस्मेटिक रूल है 1945 का, वो प्रोविजन कंटेन करता है क्लासिफिकेशन के लिए, कि जो भी आपके ड्रग है कौन से शेड्यूल में आ रहे हैं, एज पर द शेड्यूल उनको किस हिसाब से स्टोर करना है, सेल करना है, डिस्प्ले करना है, ये सारी चीजें मेंटेन की जाती हैं। ओरिजिनल जो एक्ट है आपका, वो आपके चोपड़ा कमेटी जो 1930 में फॉर्म की गई थी उनकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया। तो रिमेंबर दैट ड्रग्स एंड जो आपका कॉस्मेटिक एक्ट है, ठीक, उसको आपकी चोपड़ा कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया, दोनों कमेटी 1940 में आपकी बनी थी। द एक्ट डिफाइंस कॉस्मेटिक एज एनी प्रोडक्ट दैट इज मेंट टू बी अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ ब्यूटिफाइंग। अब कॉस्मेटिक को किस रूप में डिफाइन किया गया, कोई भी प्रोडक्ट जो आप ह्यूमन बॉडी को ब्यूटिफाई या क्लींज करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉस्मेटिक। ड्रग इंक्लूड वैरायटी ऑफ सब्सटेंस डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल डिवाइसेस, ड्रग में बहुत सारे सब्सटेंस डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेस को भी लाया गया है। डेफिनेशन में बेसिक आपके सोप्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है अगर आप कॉस्मेटिक की बात करते हैं। 1964 में द एक्ट वाज अमेंडेड टू इंक्लूड आयुर्वेदा एंड यूनानी ड्रग्स। अब 1964 में आपके एक्ट को अमेंड किया गया एंड उसमें आयुर्वेदा और यूनानी ड्रग्स क्या कर दिए गए, इंक्लूड कर दिए गए। नाउ अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहां पर आपके कुछ जो आइटम्स है उसको रेगुलेट करने के लिए आपके एक्ट में चेंजेस लाए गए, लाइसेंसिंग की जरूरत है। नाउ यूएस चाइना एग्री टू कोऑपरेट विद अर्जेंसी ऑन क्लाइमेट क्राइसिस, वेरी गुड, है ना, दैट वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट कार्बन पॉल्यूटर्स, दुनिया के दो लोग है ना
आई वॉज अबाउट टू यूज़ अ रॉन्ग फ्रेज बट आई विल नॉट, है ना। बेसिक आप ये सोचिए कि दो लोग हैं कोई, वो कुछ भी है ना, खुद स्मोक कर रहे हैं, ये दोनों लोग हैं, दो लोग स्मोक कर रहे हैं कि भाई हम स्मोकिंग करते हैं, हम स्मोकिंग करते हैं, दुनिया से लेकिन हम स्मोकिंग को हटाएंगे, दैट इज द रेजोल्यूशन, दैट्स गुड पार्ट। नाउ दो बिगेस्ट कार्बन पॉल्यूटर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप देखेंगे दुनिया के सबसे बड़े जो कार्बन पॉल्यूटर है वो यूएस एंड चाइना ही है। वो एक दूसरे के साथ में बेसिकली क्या करेंगे, काम करेंगे, कॉपरेट करेंगे ताकि क्लाइमेट चेंज को वो क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज की जो भी एक तरीके से अर्जेंसी है, बहुत ज्यादा जरूरत है आपको उसको कंट्रोल करने की, उसमें काम करने वाले हैं। देयर कॉपरेशन इज अ की टू सक्सेस ऑफ ग्लोबल एफर्ट्स टू कर्ब क्लाइमेट चेंज। अगर आप देखेंगे तो इनका कॉपरेशन, सी अगर है ना दो लोग हैं जो सबसे ज्यादा पॉल्यूटर, यही अगर काम करेंगे इसको कम करने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा हेल्प आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि कार्बन एमिशन अगर इन यहाँ से इन कंट्री से कम हो गया तो ऑटोमेटिकली काफी हद तक वो आपको कम देखने को मिल जाएगा। नाउ द पैक्ट कम साइड ऑफ बिडन समिट विद वर्ल्ड लीडर्स, बिडन की एक समिट है वर्ल्ड लीडर्स, उसके पहले आपको ये पूरा का पूरा क्या देखने को मिल रहा है, पैक्ट देखने को मिल रहा है। 40 वर्ल्ड लीडर्स इंक्लूडिंग चाइनीज प्रेसिडेंट हैव बीन इन्वाइटेड टू द समिट, लगभग 40 वर्ल्ड लीडर जिसमें आपके चाइनीज प्रेसिडेंट को भी क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, उनको इन्वाइट किया जा रहा है समिट के लिए। यूएस एंड अदर कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू अनाउंस मोर एम्बिशियस नेशनल टारगेट फॉर कटिंग कार्बन एमिशंस अहेड ऑफ मीटिंग अलॉन्ग विद प्लजिंग फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्लाइमेट एफर्ट्स बाय लेस वेल्दी नेशंस। अब यहां पर बेसिक आपके यूएस के साथ साथ बाकी कंट्रीज भी ये कोशिश करेंगी कि किस तरीके से कार्बन एमिशन को कम करना है हमें, पहला पार्ट। दूसरा, अगर आप देखेंगे कार्बन एमिशन के साथ साथ जो भी आपके नॉन वेल्दी ऐसी नेशन जहां पर पैसा कम है उनको किस तरीके से हेल्प करेंगे कि वो भी अपना कार्बन एमिशन कम कर सके। नाउ चाइना इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार्बन एमिटर फॉलोड बाय यूएस, सबसे बड़ा अगर एमिटर कोई है दैट इज चाइना, एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे यूएस है। द टू कंट्रीज पंप आउट नियरली हाफ ऑफ द फॉसिल फ्यूल फ्यूम्स दैट आर वार्मिंग अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी दुनिया में जितना भी कार्बन एमिशन आपको देखने को मिलता है उसमें से अगर आप आधा देखेंगे तो वो यही दोनों कंट्रीज क्या कर रही है, एमिट कर रही है, दोनों ही कम कर देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंटली वो कम हो जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग ऑल द न्यूज आर्टिकल फॉर 19th of April 2021। अभी आपको 20th April एंड 21 April का दोनों प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। होल्ड ऑन, तब तक ये होमवर्क कंप्लीट करते रहिए, ज्योग्राफिकल पार्ट जितना भी पार्ट है वो सारी चीजें कवर करते रहिए। अगेन साइंस, तीन ही सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने रहते हैं यूपीएससी में, कितना ईजी सा सिलेबस है। हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, ज्योग्राफी, बाकी सब तो करंट में मिल रहा है आपको ना, सारी चीजें करंट में आ रही है, क्या चाहिए आई डोंट नो। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक्सेल लर्निंग हैशटैग प्रिया तिवारी इज अ चैनल, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि जैसे ही नया कोई आर्टिकल ऐड होता है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो दिस इज रिगार्डिंग इट, नाउ कंपाइलिंग द बेसिक लेक्चर, थैंक यू एवरीवन।